तुझको सारा ही जग याद। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी जैन शासन की विरल विभूति की बात करने के लिए आया जिनका नाम परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, जिनको भारत दिवाकर पंजाब केसरी की उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, जो प्रभु महावीर की 75 नंबर की पाठ शोभायमान करने वाले कहे जाते हैं, जिनके रग रग में साधर्मिक भक्ति बसी हुई थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन काल में डालते हुए पूर्ण किया। वैसे वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जिनका संसारी नाम छगनलाल था, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूज के दिन यानी कि भाई दूज के दिन गुजरात की धन्यधरा में वडोदरा नाम के शहर में सेठ दीपचंद जी और माता इच्छाबाई के कुक्षी में जिनका जन्म हुआ, यह छगनलाल जी के और तीन भाई थे हीराचंद, खिमचंद और मगनलाल। उनको तीन बहनें भी थी जिनका नाम महालक्ष्मी, जमुना और रुक्मणी था। तीन भाई और तीन बहन जिनका प्यारा सा भाई यानी कि छगनलाल था। छगनलाल जी को मां बाप ने छोटी उम्र से ही संस्कार देने का प्रयत्न किया और वो संस्कार के द्वारा नवपल्लित होते हुए ये बालक पहले से ही धार्मिक वृत्ति वाला होने लगा। भाग्यशाली शायद आपको मालूम होगा कि संसार का और दुनिया का एक नियम है कि कभी भी एक जैसा दिन कभी भी जाता नहीं है। आज समझ लो सुख का दिन है तो वो कायम ही सुख का दिन नहीं रहेगा। आज सुख का दिन है
भविष्य में दुख पक्का आने वाला है। यानी कि एक जैसी परिस्थिति किसी की रहती नहीं है। छगनलाल जी के वहां पे भी सेम ऐसा ही हुआ। छोटी उम्र का ये छगनलाल छोटी उम्र से ही पिताजी स्वर्गवास्त हो गए। थोड़े समय के पश्चात, थोड़े दिनों के बाद माता के भी कुछ अंतिम श्वास चलने लगे। तब छगनलाल माता के पास जाते हुए माता से आशीर्वाद लेने लगे और माता ने बालक को अंतिम अवस्था के वक्त कहा कि हे छगन, तू अमर सुख प्राप्त करना, तेरा जिंदगी का मेन एम टारगेट अमर सुख, अनंत सुख प्राप्त करने का ही होना चाहिए। और छगनलाल ने माता को भी एक वादा किया कि मां, मैं तेरी इच्छा परिपूर्ण करूंगा और मैं अनंत सुख की यात्रा के लिए आज से ही प्रयाण करता हूं। इस प्रकार की उच्चतम भावना के साथ ये छगनलाल का पुण्य भाग्य खिलने लगा, माता का स्वर्गवास हो गया। छगनलाल बड़ौदा के अंदर कुछ मुनि चंद्रेश्वरी सर जी महाराज साहेब संवत 1940 की बात कर रहा हूं। मुनि चंद्र विजय जी महाराज साहेब का चतुर्मास था, बराबर पिपला सेवी के अंदर, और वहां पे यह छगनलाल पहुंचा। वो पहुंचते हुए मुनि भगवंत के पास उन्होंने जैन शासन के अद्भुत महत्वपूर्ण बातें सुनी। उनके मन के अंदर एक धीरे धीरे वैराग्य की चिंगारी जगने लगी। उनको होने लगा कि संसार में रहने जैसा ही नहीं है, और इस प्रकार की भावना अंदर से ही जगने की शुरुआत हुई। थोड़े समय के पश्चात आत्माराम जी महाराज वडोदरा के अंदर पधारे। कुछ जानी शेरी संघ के अंदर पधारे थे, विराजमान थे, और वहां पर यह छगनलाल वो बालक गुरु भगवंत का प्रवचन व्याख्यान सुनने के लिए जाता था। कई सारी प्रकार की मानव मेदिनी वहां पर इकट्ठी होती थी आत्माराम जी महाराज साहब का प्रवचन सुनने के लिए, और उसमें एकत्रित हुआ यह छगन नाम का बालक। गुरु भगवंत का यह प्रवचन सुनते हुए वैराग्य की बात और मजबूत हुई, वैराग्य और प्रबल हुआ, और प्रबल होते हुए उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए अभी तो आत्मकल्याण ही करना है, अनंत सुख की मोक्ष की यात्रा के लिए ही निकलना है। इस प्रकार के ठान लेते हुए एक बार कुछ ऐसा प्रसंग हुआ कि प्रवचन परिपूर्ण हो गया था। जितने भी श्रावक श्राविका गण आए थे वो धीरे धीरे करते करते हुए सर्वमंगल के पश्चात प्रवचन हॉल से निकलते हुए अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान की ओर जाने लगे। परंतु यह छगन नाम का लड़का वही जगह, वही स्थान प्रवचन हॉल में रंग मंडप में ही बैठा था। आत्माराम जी महाराज साहेब उसके पास आए और गुरुदेव ने उसको कहा
हे छगन तू क्यों बैठा है, तुझे क्या चाहिए? तब छगन नाम के यह लड़के ने, यह बालक ने कहा कि मुझे धन चाहिए। तब आत्माराम जी महाराज साहेब उन्होंने यह छगन को कहा कि काम कर, अभी आज चला जा, कल कोई सेठ आएंगे तो उनको कहूंगा कि तुझे कुछ धन दे। तब यह छगन ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे तो आपके पास में से ही धन चाहिए, आप भी मुझे धन दो। उन्होंने कहा कि हे बालक, मैं तो खाकी बंगाली हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैंने तो संसार का परित्याग किया है, धन दौलत गाड़ी इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पास धन की कोई आशा तो मत रख। तब छगन ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे तो आपके पास में से ही धन चाहिए, और वो और कोई नहीं परंतु जो अनंत सुख देश के, वैसा धन चाहिए, यानी कि मुझे आत्मकल्याण करना है। और तब यह बात सुनते हुए आत्माराम जी महाराज ने उनको अंदर से नाभि से निकले हुए आशीर्वाद दिए और बोला कि चल बेटा, मैं तुझे आत्मकल्याण का धन देता हूं। तब से वो समझ गए ये बालक भविष्य का बहुत बड़ा सितारा बनेगा, यह बालक कई सारे लोगों का विश्ववल्लभ बनेगा, यही बालक अनेक आत्माओं का उत्थान का एक कारक बनेगा, और इसलिए साथ में बुलाते हुए जैन शासन के, जैन धर्म के सिद्धांतों की बात उनको समझाने लगे, तत्व की, कर्म ग्रंथ की बातें सुनते सुनते हुए यह छगन नाम के बालक का वैराग्य और मजबूत हुआ। थोड़े समय के पश्चात बड़े भाई खिमचंद जी आए, उन्होंने कहा हे छगन, तू कहां इधर आ गया, चल घर पे लेके जाता हूं। और ऐसे करते हुए खिमचंद जी घर पे लेके गए। यह छगन तब कुछ स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा था और वापिस स्कूल के अंदर जाना इत्यादि शुरू हो गया, और मारा शहीद और छगन वापिस दोनों अलग हो गए, हर रोज मुलाकात अभी नहीं हो पाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल के अंदर छुट्टी का दिन था, और तब बराबर मौका देखते हुए ये छगन घर से भाग निकला, कुछ जंगल की कीड़ी पकड़ते हुए नगर की ओर, कोई शहर की ओर जाने लगा, और वहां से कुछ स्टेशन के अंदर जाते हुए पहुंच गए अहमदाबाद की ओर। अहमदाबाद में आत्माराम जी महाराज विराजमान थे, उनके पास जाते हुए कहा कि गुरुदेव मैं आ गया, मुझे शिक्षा दो, मुझे अनंत सुख प्राप्त करना है। और तब वापिस गुरुदेव ने उसका पढ़ाई पाठ शिक्षा देना इत्यादि शुरू किया। तब जाते हुए उनके जीवन काल के अंदर एक गुरु के साथ में गुरुकुल वास की शुरुआत हुई। भाग्यशाली बराबर आत्माराम जी महाराज साहेब का पालीताना में एक चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के पश्चात
वो विहार करते हुए राधनपुर पधारे। राधनपुर के अंदर छगन नाम के बालक ने जानबूझ के एक रजिस्ट्री करते हुए पत्र लिखा अपने भाई खिमचंद जी को, और खिमचंद जी को कहा कि अमुक दिन को मेरी दीक्षा है, आप दीक्षा के महोत्सव के अंदर जरूर पधारे। यह जैसे ही पत्र खिमचंद जी के हाथ में आया, वो तो आकुल व्याकुल हो गए। वो सोचने लगी ये क्या है। तुरंत ही वो आए राधनपुर के अंदर, देखा तो दीक्षा तक का तो कोई माहौल ही नहीं था। और तब पूछा, तब उन्होंने बोला कि नहीं दीक्षा तो नहीं है, परंतु मुझे आप दीक्षा की अनुपना दो, दीक्षा की आज्ञा दो। और तब जाते हुए खिमचंद भाई को हुआ कि आखिर में यह बालक, ये मेरा भाई, वो आत्मकल्याण करने के लिए ही इधर आया है। कोई पूर्वभू की साधना आज उसके जीवन काल के अंदर रंग लाई है, और बस यह मेरा भाई आत्मकल्याण के मार्ग के ऊपर जाना चाहता है, तो मुझे उसके रोकना नहीं चाहिए। और खिमचंद भाई ने भी छगन को, यानी कि ये बालक को आज्ञा दी दीक्षा लेने के लिए, और गुरु भगवंत को कहा कि मेरा भाई है, कोई भी अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना। और इस प्रकार की बात वहां पे गुरु भगवंत को कहा। और इस साइड बराबर दीक्षा की अनुज्ञा आज्ञा मिल गई, और छगन नाम का बालक हर रोम रोम के अंदर करंट फैल गया, हर रोम खड़े हो गए, पूरे शरीर के अंदर खुशहाली खुशहाली छा गई, हर्ष और आनंद हो गया। गुरु भगवंत से आशीर्वाद प्राप्त किए, खिमचंद भाई से आशीर्वाद प्राप्त किए, और बराबर वैशाख शुद्ध तीरस का दिन संवत 1944 के अंदर, गुजराती के अंतर्गत कहा जाता है 1943, और राधनपुर नाम के नगर के अंदर गुजरात की अधन्य धरा में यह छगनलाल की दीक्षा हुई। रंगे चंगे दीक्षा होते हुए कुछ 17 साल की ये बालक की उम्र होगी, और वो दीक्षा लेते हुए मुनि हर्ष विजय जी महाराज साहिब के शिष्य, जिसका नाम छगन था, उसका नाम मुनि वल्लभ विजय जी नाम करते हुए प्रसिद्ध हुआ। यह मुनि वल्लभ विजय जी महाराज साहिब, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्वाध्याय अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने मां सरस्वती की जोरदार उपासना शुरू की। गुरुगण के द्वारा उन्होंने मां सरस्वती की साधना शुरू की। सरस्वती माता का मंत्रोच्चार विधिवत तरीके से गुरु मुख के द्वारा लिए। उस की संपूर्ण विधि अपने जीवन काल के अंदर परिपूर्ण करते हुए विद्या अभ्यास बहुत तेजी से होने लगा। आत्माराम जी महाराज साहब के पास न्याय, संस्कृत, प्राकृत अनेक शास्त्र और आगमों का ज्ञान उन्होंने सहजता से गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, सरस्वती माता की कृपा से प्राप्त किया। भाग्यशाली उनके पश्चात बराबर संवत 1947 चैत्र शुद्ध दशम के दिन 21 मार्च 1890 के अंतर्गत
दिल्ली के अंदर हर्ष विजय जी महाराज शहर का काल धर्म हो गया, स्वर्गवास हो गए। आत्माराम जी महाराज साहेब ने वह वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब को शिक्षा पाठ अभ्यास स्वाध्याय विपुल प्रमाण में करवाया। उसके पश्चात विक्रम संवत 1953 और गुजराती के अनुसार 1952 में जेठवदी सातम के दिन मंगलवार को बराबर रात्रि के दरमियान गुजरावाला स्थान पे अर्धरात्रि को आत्माराम जी महाराज साहेब अचानक उठे, उठते हुए मुनि वल्लभ विजय जी को बुलाया, बुलाते हुए अंदर से एक आशीर्वाद दिया, एक शक्तिपात किया और शक्तिपात करते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बालक तू शासन का सितारा बनेगा, तू खूब आगे बढ़ेगा, मेरे अंदर के आशीर्वाद है। इस प्रकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बस मैं अभी, मेरा तो प्राण इधर परिपूर्ण होते हुए मैं तो जा रहा हूं, परंतु आगे ये प्रभु महावीर की पाठ तू शोभायमान करना। और ऐसे आशीर्वाद देते हुए वही रात्रि को आत्माराम जी महाराज साहेब काल धर्म हो गए। भाग्यशाली बराबर 1981 संवत 1981 में लाहौर में चतुर्मास था और पंजाब के कई सारे संघ आदि वगैरह ने अनेक विनती के पश्चात बराबर वही चतुर्मास के अंतर्गत वल्लभ विजय जी महाराज साहेब को आचार्य पदवी देने का बारंबार आग्रह पूर्वक विनंती के पश्चात वल्लभ विजय जी महाराज साहेब ने महाराज साहेब को आचार्य पदवी हुई और उनका मुनि वल्लभ विजय जी में से आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब, इस प्रकार उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। भाग्यशाली वैशाख सुद तीज के दिन संवत 1990 के अंदर बराबर गुरुवार के दिन ब्राह्मण महाराज जी तीर्थ के में पूर्वाल सम्मेलन था और पूर्वाल सम्मेलन में वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब को कलिकाल कल्पतरु और अज्ञान तिमिर तरणी, इस प्रकार उनको उपलब्धियां से अलंकृत किया गया। उनके पश्चात पंजाब केसरी भारत दिवाकर, इस प्रकार अनेक पदवियां ये गुरु भगवंत को भक्त वर्गों के द्वारा प्राप्त हुई। भाग्यशाली ये गुरुदेव ऐसे थे जिन्होंने कोई भी संकोच तोड़ने का काम नहीं किया है, कोई समाज को कोई परिवार को तोड़ने का काम नहीं परंतु जोड़ने का काम किया है। यह गुरुदेव एक ऐसे विरल विभूति थे जिन्होंने अपना जीवन शासन को समर्पित कर दिया। भाग्यशाली जब भारत और पाकिस्तान के भागले हुए तब वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब विराजमान थे पाकिस्तान में और भारत के अंदर विराजमान नैमिष सुरेश्वर जी महाराज साहेब इत्यादि अनेक आचार्य भगवंत, अनेक गच्छ के आचार्य भगवंत इत्यादि ने वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब को पत्र व्यवहार के माध्यम से संदेश भेजा कि आप कुछ भी करते हुए तात्कालिक जल्द से जल्द भारत में पहुंचने का प्रयत्न करो। तब वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने कहा कि जब तक मेरे प्रभु महावीर के जीत शासन का एक भी बच्चा
इधर रह जाए तब तक मैं आ नहीं पाऊंगा, सभी को इधर से एक एक और सभी को लेते हुए। और इस प्रकार बराबर ट्रक भर भर के जैन परिवार, जैन समाज इत्यादि लोग भारत की ओर आए और उनके साथ हमारे गुरुदेव वल्लभ सो ईश्वर जी महाराज साहेब का भी इस प्रकार भारत में पदार्पण इत्यादि हुआ। भाग्यशाली ऐसे ही गुरु भगवान बराबर संगत 1953 में वल्लभ सो ईश्वर जी महाराज साहेब ने अपने प्रशिष्य समुद्र विजय जी महाराज साहेब को मुंबई के अंदर उन्होंने आचार्य पदवी के द्वारा आरूढ़ किया और आशोवदी दशम विक्रम संवत 2011 23 सितंबर 1954 के अंदर मंगलवार के दिन भाईखल्ला मुंबई नगरे गुरु भगवंत काल धर्म हो गए। भाग्यशाली यह गुरुदेव ने अनेक प्रकार की संस्था अपने वचनों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से शुरू करवाई थी। यह गुरुदेव के रग रग के अंदर सादरिक भक्ति बसी हुई थी। वो किसी का दुख कभी देख नहीं सकते थे, दुख देखते हुए उनकी आंखों के अंदर अंडराधार अश्रु की धारा निकल आती थी। ऐसे प्रकार के हमारे ये वल्लभ सो ईश्वर जी आचार्य भगवंत थे और यही आचार्य वल्लभ सो ईश्वर जी महाराज साहेब के 68 चतुर्मास हुए हैं। तो भाग्यशाली चलो हम एक बार वल्लभ सो ईश्वर जी महाराज साहेब के 68 चतुर्मास देखते हैं। गुरुदेव का प्रथम चतुर्मास राधनपुर के अंदर हुआ, दूसरा चतुर्मास मेहसाणा में हुआ, तीसरा चतुर्मास पाली में हुआ, चौथा चतुर्मास मल्लेर कोटार में हुआ मल्लेर कोटला में, पांचवा चतुर्मास पट्टी में हुआ, छठा चतुर्मास अंबाला में हुआ, सातवां चतुर्मास जड़ियाला गुरु के अंदर हुआ, आठवां चतुर्मास जीरा में हुआ, नौवां चतुर्मास अंबाला में हुआ, दसवां चतुर्मास गुंजारा वाला में हुआ, ग्यारहवां चतुर्मास गुरुदेव का नारो वाल में हुआ, बारहवां चतुर्मास पट्टी में हुआ, तेरहवां चतुर्मास गुरुदेव का मालेर कोटला में हुआ और चौदहवा चतुर्मास होशियारपुर में हुआ, पंद्रहवा नंबर का चतुर्मास अमृतसर में हुआ, सोलहवा पट्टी में हुआ, सत्रहवा अंबाला में हुआ, अठारहवा चतुर्मास समाना में हुआ और गुरुदेव का उन्नीसवा चतुर्मास जीरा में हुआ, बीसवा चतुर्मास लुधियाना में हुआ, इक्कीसवा अमृतसर में हुआ, बाईसवा गुजरावाला में हुआ, तेईसवा पालनपुर में हुआ, चौबीसवा चतुर्मास गुरुदेव का वडोदरा में हुआ, पच्चीसवा मियागांव में हुआ, छब्बीसवा चतुर्मास डबोई में हुआ, सत्ताईसवा और अट्ठाईसवा वैसे दो चतुर्मास मुंबई के अंदर किए, उनतीसवा चतुर्मास सूरत में हुआ और तीसवा चतुर्मास गुरुदेव का जूनागढ़ में हुआ, इकतीसवा चतुर्मास मुंबई में हुआ, बत्तीसवा अहमदाबाद में हुआ, तैतीसवा सादरी में हुआ, चौतीसवा चतुर्मास खुडाला में हुआ, पैंतीसवा बीकानेर में हुआ, छत्तीसवा अंबाला में हुआ, सड़तीसवा चतुर्मास होशियारपुर में हुआ, 38वां लाहौर में हुआ, 39वां गुंजारा वाला में हुआ, 40वां बड़ोत में हुआ, 41वां गुरुदेव का चतुर्मास बिजोका में हुआ, 42वां चतुर्मास गुरुदेव का पाटन में हुआ, 43वां मुंबई में हुआ, 44वां चतुर्मास पूना में हुआ और 45वां चतुर्मास बालापुर में हुआ, 46वां चतुर्मास सादरी में हुआ, 47वां चतुर्मास पालनपुर में हुआ, 48वां अहमदाबाद में किया, 49वां गुरुदेव का चतुर्मास मुंबई में हुआ और 50वां चतुर्मास गुरुदेव का वडोदरा में हुआ, 51वां खंबाती में हुआ, 52वां चतुर्मास अंबाला में हुआ, 53वां नंबर का चतुर्मास रायकोट में हुआ, 54वां चतुर्मास गुंजारावाला में हुआ, फिर 55वां चतुर्मास गुरुदेव का सियालकोट में हुआ, 56वां पट्टी में हुआ, 57वें जड़ियाला गुरु में हुआ, 58वां बीकानेर में हुआ, 59वां चतुर्मास गुरुदेव का बराबर सिद्धियाना में हुआ और 60वां चतुर्मास गुंजारा वाला में हुआ, 61वां नंबर का चतुर्मास भी गुरुदेव का गुंजारा वाला में हुआ, 62वां चतुर्मास गुरुदेव का बीकानेर में हुआ, 63वां सादरी में हुआ, 64वां पालनपुर में हुआ, 65वां पालीताना में हुआ और 66, 67 और 68
इस प्रकार तीन चतुर्मास अंतिम तीन चतुर्मास गुरुदेव ने बंबई के अंदर किए और इस प्रकार परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्री सरजी महाराज के 68 चतुर्मास हुए। भाग्यशाली आचार्य भगवंत वल्लभ श्री सरजी महाराज प्रभु महावीर की 75 नंबर की पाठ के पाठ शोभायमान करने वाले इस प्रकार कहा जाता है। तो चलो हम देखते हैं प्रभु महावीर की प्रथम नंबर की पाठ से सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी प्रभो स्वामी सैंभु स्वामी यशोभद्र स्वामी भद्रभाव स्वामी सूर्यभद्र स्वामी आर्य महागिरी आर्य सुरशिशोरी इंद्रधीश्वरी दीनश्वरी श्रीश्वरी वज्रसाई वज्रसेश्वरी चंद्रश्वरी सामंतभद्रश्वरी गुरुदेवश्री पद्योदश्वरी मानदेवश्री मानतुश्री वीरश्वरी जयदेवश्री देवानश्री उत्तमश्वरी नस्तिश्वरी समुद्रश्री मानदेवश्री विभुत्पुरश्री ज्ञानश्री जयप्रभुश्री यशोदेवश्री प्रद्युनश्वरी मानदेवश्री विमल चंद्रश्री उद्योगश्री देवश्री सर्वदेवश्री सर्वदेवश्री अजित देवश्री विजयश्री श्री सौप्रभुश्री जगत चंद्रश्री देवेदश्री धर्मकोश्री सौप्रभुश्री सौतिलक्ष्री देवसुंदरश्री सौसुंदरश्री मुनिसुंदरश्री रत्न शेखरश्री लक्ष्मी सागरश्वरी शुद्धि साधुश्री हेमिमश्वरी आनंदिमश्री विजय दानश्री विजय हिश्री विजय सहस विजय देवश्री श्रीश्री सत्य विजय कपूर विजय क्षमा विजय जीव विजय उत्तम विजय पद्म विजय रूप विजय कीर्ति विजय कस्तूर विजय मणि विजय दादा 71 नंबर के पाठ के ऊपर आए 72 नंबर के पाठ के ऊपर भुटेरा जी 73 नंबर के पाठ के ऊपर आत्माराम जी 74 नंबर के पाठ के ऊपर लक्ष्मी श्री सरजी महाराज और 75 नंबर के पाठ के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ श्री सरजी महाराज की जय। इस प्रकार भाग्यशाली वित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कड़म। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।